गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश बॉय गिड्डू ब्लॉग में। और अभी मैं आ चुका हूँ वरणेन्द्र धाम, यानी कि मिनी पोइचा भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है, ये देखो मिलकर वरणी, और बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है, बहुत ही सुंदर बाहर का नज़ारा है। तो चलो चलते हैं अभी मंदिर के अंदर, ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर। बाहर से कुछ इस तरह का गेट बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हाथी बनाए गए, देखो, और हाथी पे ही गेट है। गेट का कुछ तो सेफ है, वो हाथी पे ही पूरा खड़ा किया है इस तरह का। बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और अंदर का व्यू कुछ इस तरह का, पूरा मंदिर कमर के अंदर बनाया गया है, ऐसा है पूरा मंदिर। धाम, उसको मिनी पोइचा भी कहा जाता है। सेम पोइचा इस तरह का ही मंदिर है, ये जैसा मंदिर है उसी तरह का ही पोइचा में भी मंदिर है स्वामीनारायण भगवान का। और यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ी प्रतिमाएँ बनाई गई भगवान की, और बहुत सारी, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल है छोटी छोटी, जो भी खरीदना चाहते हैं आप, चश्मा है, पर्स है, कुछ खाने की चीज़ वो आप खरीद सकते हैं अंदर। यहाँ पे भोलेनाथ के प्रतिमाएँ बनाई है देखो, और पानी ऊपर से गिर रहा है, फुहारे सिस्टम, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये देखो मंदिर पीछे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्टैचू बनाए गए हैं प्रतिमाएँ, जैसा कि एक पेड़ बनाया गया और भगवान की अलग अलग स्वरूप यहाँ पे ऊपर बिठाए गए हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के पास। यहाँ पे ये देखो मंदिर, और यहाँ पे नीलकंठ भगवान की बड़ी प्रतिमाएँ बनाई है, और पूरा जो मंदिर है वो कमर पे जैसे खड़ा है ना, कमर के अंदर बनाया गया है, इस तरह का कुछ मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। ये देखो अंदर पानी भी है, ज़बरदस्त नज़ारा। चलो चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और इस तरफ भी एक मंदिर है, ये देखो यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है। अभी इसके अंदर पानी नहीं, लेकिन पानी फुहारे सिस्टम सभी बंद है। ये देखो यहाँ नीचे, यहाँ पे पानी होता है। प्रभु का मंदिर है, और यहाँ थोड़े आगे लक्ष्मीनारायण देव और सीताराम जी का मंदिर, वो प्रतिमाएँ हैं अंदर, और ठीक पीछे है यहाँ पे राधे देव, राधे कृष्ण देव और नर नारायण का मंदिर है, देखो।
यहाँ पे एक दूसरा भी मंदिर है, देखो एक ये मंदिर के सामने ही बाल घनश्याम का मंदिर है यहाँ पे, और ये बाल घनश्याम का जो मंदिर है उसकी प्रदक्षिणा करते हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। ये यह देखो यहाँ पे गार्डन जैसा कुछ बनाया गया है, और यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह कुछ अलग अलग कुछ एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे। और ये वरिंद्र धाम के पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का है, बहुत ही बड़े बड़े कलश बनाए गए और उसके अंदर भगवान को स्थापित किया गया है। और यहाँ पे गणेश जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति है, देखो ये रही गणेश जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। और पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का, दोनों साइड मंदिर है और यहाँ पे वरिंद्र धाम। चलो चलते दूसरे वाले मंदिर पे। अगर आप पाटड़ी आते हो ना तो यहाँ ये पाटड़ी जाते हो रास्ते में ही आता है वरिंद्र धाम, तो यहाँ की विजिट ज़रूर से करना, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। और व्यू की तो बात ही क्या करे, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, सामने वाली साइड बाल घनश्याम का मंदिर था और यहाँ पे हनुमान जी का। अभी हम पूरा मंदिर घूम के आए, भगवान के दर्शन भी कर लिए, और ये पीछे का ये मंदिर और यहाँ से सामने वाली साइड गेट वाली साइड ये देखो यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है। तो चलो चलते हैं अभी नीचे, नीचे की ओर, नीचे क्या है देखते हैं। देखो ऊपर मंदिर और यहाँ से नीचे आने के बाद इस तरह के बहुत सारे कलश बनाए गए हैं, बड़े बड़े इस तरह के, और अंदर बहुत ही अलग अलग प्रतिमाएँ स्थापित की गई है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, देखो यहाँ पे ट्रेन है कुछ बच्चों के खेलने के लिए, और स्विमिंग पूल सब कुछ यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन अभी तो बंद है, अंदर अभी नहीं जाने देते। ये देखो मंदिर का पीछे का नज़ारा, पूरा मंदिर कमर के अंदर बनाया गया है, इस तरह का कुछ बनाया गया है मंदिर, ये देखो ये कमर और उसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे भी पार्क है और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, अंदर तो बंद है शायद, अभी तो नहीं जाने देंगे। कुछ राइडें वगैरह कुछ लगाए गए हैं इसके अंदर, देखो। तो हम पूरा मंदिर की प्रदक्षिणा करके आ चुके हैं और मंदिर में भी जाके आए, दर्शन किए, और अभी जा रहे हैं बाहर। तो चलो अभी वीडियो को यहीं पे एंड कर दे, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।